Hello, hi. My name is Kartikeya Shah. I'm from Allahabad. My first question is, who's your favorite actor and why? My favorite actor was Devin. Sanjeev Kumar. Mm-hmm. Very good actor. Versatile actor. You can say, वो हीरो भी थे, वो करेक्टर एक्टर भी थे, हर तरह के थे. तो एक्चुअली वो स्टार नहीं थे भाई, एक्टर थे, आर्टिस्ट. माय फेवरेट मूवी इज मदर इंडिया, क्योंकि मदर इंडिया एक ऐसी फिल्म है, उसके बाद जितनी भी फिल्म बनी वो सब ऐसा लगता है कि मदर इंडिया से ही ली गई है. तो मदर इंडिया इज ए मदर ऑफ इंडियन सिनेमा. And sir, I want to listen by your own voice. That's your dialogue from Welcome to the Movie. Maybe Thang Kattala. Oh my God. हम सभी सुनना चाहेंगे. Definitely. अभी देखिए वो क्या है कि जब हम कैमरे के सामने होते हैं तो बात कुछ और होती है. फिर भी मैं दो लाइन बोल देता हूँ, मुझे पूरी याद तो नहीं है. जब भी किसी को डराना हो तो वो नाना पाटेकर बोलते हैं बता बल्लू बल्लू स्टार्ट. मेरी एक टांग निकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था. एक दिन मेरे मुँह से उदय भाई ने कुछ गलत नहीं करे तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के दो टुकड़े करे. वैसे बड़े अच्छे आदमी है वो. आदमी अच्छे बस. सर प्रतिभा सिंह फ्रॉम हिसार हरियाणा. बहुत ही छोटी सी जगह है, बड़ी मशहूर जगह है लेकिन हरियाणा छोटी जगह है लेकिन बहुत ज्यादा छोटी सी है. बहुत सारे फेमस एक्टर दिए हैं हरियाणा ने और बहुत सारे हमारे जो प्लेयर्स हैं मींस हर फील्ड में आप हिसार के लोगों ज्यादातर ओलंपिक्स में जितने भी हैं. और सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप आज के यंग जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी है, जो भी हमारे भारत के रहने वाले युवा हैं, पहले तो वो देखें कि व्हाट ही दे कैन डू बेटर. उनमें एक प्लस पॉइंट, हर किसी में प्लस पॉइंट होता है, हर एक में कोई ना कोई गुण होता है. ईश्वर जो है ना, जिसे हम गॉड गिफ्ट कहते हैं, कोई ना कुछ उसको देता है गुण. तो वो देखो कि ईश्वर ने उनको कौन सा गुण दिया है. सीधी सी बात है, बहुत सारे बच्चे जहन के बहुत तेज़ होते हैं, पढ़ाई में बहुत तेज़ होते हैं, जैसे मैं बिल्कुल नहीं था. समझे ना? बट मेरे को ना पूरा मेरा स्किल जो था वो एक्टिंग का था. तो वो अपने को पहले पहचाने, और अगर वो इस लाइन में है जिस लाइन में मैं हूँ, फिल्म लाइन में आना चाहे, तो पहले वो चकाचौंध को देख के ना, ग्लैमर को देख के नहीं, बल्कि अपने स्किल को देख के एक्टिंग करने आए. बस बहुत अच्छी बात कही है कि स्किल को देखते हुए किसी भी फील्ड में आपने आपको आगे बढ़ाएं. तो सर दूसरा क्वेश्चन मेरा, अभी तो मैंने सबके लिए पूछा, हमारी पूरी भारत की जनरेशन के लिए, सेकेंड क्वेश्चन मैं मेरे लिए पूछना चाहूँगी कि अगर मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं किसी मूवी में जाऊँ या किसी टीवी सीरियल में, तो आपकी क्या सलाह है मेरे लिए कि प्रतिभा तुम्हें ये फील्ड चूज करना चाहिए पहले? देखिए, आपको देख करके मैं कह सकता हूँ कि यू कैन ट्राई. जहाँ तक आप में टैलेंट कितना है क्या है ये मुझे नहीं मालूम, बट आपका जो अपीयरेंस है ना वो बहुत गिफ्टेड है, बहुत अच्छा है. आप दिखने में सुंदर हैं और अट्रैक्टिव भी है ना, अच्छी भी लग रही हैं सबको. तो हमारे यहाँ क्या होता है एक्चुअली, जब ये वैसे भी मैं जरूर कहता हूँ ग्लैमर की दुनिया में, लेकिन ख़ास करके लेडीज़ के लिए खूबसूरती एक बहुत प्लस पॉइंट होता है उसके लिए जो आप में है. तो यू कैन गो अहेड. थैंक यू सो मच. और लास्ट बट नॉट लीस्ट सर, आपके मुंह से एक्टिंग मींस आपकी एक्टिंग तो हमने बहुत सारी मूवीज में देख ली है, बट आज मेरा मन है कि आप कुछ दो लाइन कुछ म्यूजिक का अगर हमारे लिए कर दे तो. म्यूजिक का? कुछ सॉन्ग, कुछ भी आपका मतलब जो भी फेवरेट एक्टर है. अच्छा, म्यूजिक आप गाना सुनना चाहती हैं? जी. ओके. देखिए, मेरे तो फेवरेट सिंगर थे मोहम्मद रफी साहब जी, तो उनके कुछ गाने में हमेशा गाते हैं. बस दो लाइन, दो ही लाइन सुनाओ, वैसे ज्यादा सुना नहीं तो आप और साफ सुन नहीं पाएंगे आपको देख के. जी बिल्कुल. थैंक यू. मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी. मुझे इश्क है तुझे. वाओ सर, थैंक यू सर. वॉइस क्या अच्छा लगा. बहुत अच्छी वॉइस सर, बहुत अच्छी.
ऐसे नहीं उड़ा रही है सर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा नहीं मत करो, क्योंकि 31st को, अभी 31st को भी मोहम्मद रफी साहब की नाइट होने वाली है जी। वो कहाँ होने वाली है? यमुनानगर कहाँ है? यमुनानगर में अब कहाँ होगा मुझे नहीं मालूम, बट मिस्टर पंकज अरोड़ा करवा रहे हैं उसमें मैं आ रहा हूँ, और हमारे एक और साथी कलाकार आ रहे हैं अरुण बख्शी। 31st और सर एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल कौन है, मैं भी क्या बताऊं? ये लास्ट क्वेश्चन है, वैसे बातें करने को मेरे पास बहुत है सर, बट और लोगों को देखते हुए कि इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा रोल मॉडल मेरी वाइफ है। दैट्स ग्रेट सर, मतलब आपने बहुत बड़ी बात कही सर, बहुत बड़ी बात कह रही है। क्योंकि ना मेरे को ऐसा लगता है कि वो सही, मेरे को इतना सही गाइड करती है ना, मैं क्या बताऊं। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये बात आज आपने साबित कर दी। नहीं नहीं, वो हकीकत भी है। वो जब भी ये हमारा कुछ कन्वर्सेशन देखेंगी तो शी फील वेरी प्राउड। हां नहीं, मैं तो उसके पीठ पीछे देख रहा हूं, ये जी जो फैक्ट है जी, एक वाइफ जो है जी, मुंह पे तो बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं, तारीफ असली तब मानी जाती है जब बंदा सामने ना हो, पीठ पीछे हो। नहीं, और मैंने जब भी ऐसे कोई मुश्किल होता, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, क्या करना है, क्या करना है, डेफिनेटली मैं अपने आप को रोकता हूँ, फिर घर जाता हूँ, फिर अपनी वाइफ को बोलता हूँ, ऐसे ऐसे मैं किया, तो बिल्कुल सही करेक्ट मुझे बोलते हैं जवाब दे दूँगा आप ये करो। सर थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट प्लीज। हाय सर, आदित्य फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सर डायलॉग तो आपका मैंने सुन लिया। एज अ यंग एक्टर मेरा बस एक क्वेश्चन है कि आप, मैं हिमाचल से हूँ जैसे, तो लाइक ऑडिशंस देने के लिए मुझे मुंबई आना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन भी दे सकते हैं, और उसमें हम कैसे पता करें कि वो फेक है या रियल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है आपकी। जहाँ तक मेरा ख्याल है मुंबई आने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन, आजकल सब कुछ हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन ही करके देखिए। और फेक देखिए, जो जेन्युइन लोग होंगे ना वो कुछ ऐसा कुछ डिमांड आपसे नहीं करेंगे। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे कोई फिल्म बनानी है, कोई चीज़ करनी है, प्रोडक्शन करनी है, अगर मुझे वाकई टैलेंट की ज़रूरत है तो मुझे टैलेंट की ज़रूरत है, फिर मैं ये नहीं देखूँगा कि वहाँ से मेरे को कुछ फीस मिल जाएगी। अगर ऐसा कुछ भी अगर कोई फिल्म डिमांड करता है तो इज फेक, उसे बचिएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन भी एक यंग एक्टर की तरफ से ही है कि कोई बेस्ट एक्टिंग स्कूल्स फॉर द न्यू एस्पिरेंट्स, या फिर कोई थिएटर, हम जैसे दिल्ली में वहाँ तो मंडी हाउस है, पर जैसे आपकी नज़रों में कौन सा बेस्ट है? अब क्या, तो दिल्ली में तो बहुत है, अब NST जो है नगर करने तो बेटर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बेस्ट होगा, और इसके अलावा बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ पर। बट मुंबई में आना मतलब एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मुंबई में मैं वेलकम है आपके लिए, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा सोर्स अच्छा है, आपका सपोर्ट आपको जहाँ मिल जाए, जैसे कोई कोई पहचान का हो, कोई साथी हो, कोई रिलेटिव्स हो जो वहाँ रहता हो यहाँ पर, क्योंकि मुंबई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हैंड टू माउथ है एंड एकोमोडेशन है। बस थैंक यू सर, मेरा यही सवाल। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक फोटो वहीं से ले लेंगे, सामने जल्दी, ऑल थ्री स्माइल।